को गो बैक बोल रहे हैं और किसको देशद्रोही बता रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, सब लोगों को यहाँ पे पता है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर लेके आ रहे हैं, जो दलितों आदिवासियों के खिलाफ है, वो देशद्रोही है या नहीं है? वो क्या है? वो देशद्रोह है। जब अभी जो 23 लाख आदिवासियों को बिल्कुल उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने की जो चीज है, जो वो लोग लेके आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो देशद्रोही हैं। हम लोग यहाँ पे इस देश से सभी क्रांतिकारी ताकतों की तरफ से ये बोलना चाहेंगे कि वो देशद्रोही जब निशाने पे आते हैं तो जंग शुरू हो जाती है। और आज ये बहुत शर्म वाली चीज है जो पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो पुलवामा में अटैक हुआ है, उसकी आड़ में हर एक मुसलमान को वो लोग आतंकवादी घोषित करके मार पीट रहे हैं। और हमारे दोस्त जो हम लोगों के साथ बैठ के क्लास लेते हैं, जो अरेबिक डिपार्टमेंट में क्लास लेते हैं, जो लॉ डिपार्टमेंट में क्लास लेते हैं, वो 17-18 स्टूडेंट को टारगेट कर करके मारा गया है। क्या ये हमारे देश की डेमोक्रेसी कहती है? क्या ये हमारा संविधान हक देता है हमें किसी को भी मार देने का? तो जो हर ये फांसीवादी ताकतों के जो निशाने पे हैं, वो सारी देश की जो ज्यादातर आवाम है वो इनके निशाने पर है। जो दलित है वो इनके निशाने पर है। वो कैसे निशाने पे लेके आते हैं? 13 पॉइंट रोस्टर को हथियार बना के यूज करते हैं। क्या कैसे इस कैंपस से, जो देश की शिक्षा से, कैसे दलितों को बाहर निकाला जाए, कैसे आदिवासियों को बाहर निकाला जाए, कैसे जो ज्यादातर दबे कुचले वर्ग है उनको शिक्षा से बाहर निकाल दिया जाए, जो थोड़े बहुत भी आ रहे हैं, कैसे वो लोग प्रोफेसर ना बने और आदिवासी लोग प्रोफेसर तक पहुंच के पढ़ा ना पाए स्टूडेंट्स को, ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो देशद्रोही पॉलिसी है। और जब आदिवासियों पे हमला होता है, वो देशद्रोही पॉलिसी है। तो ऐसे हथियार बना के जो तमाम जनता है, ज्यादातर जनता, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ये देश के छात्र हो, चाहे इस देश के जो दबे कुचला वर्ग है, जो बहुत पहले से ही इस सिस्टम से बाहर है और वो चाहते हैं ये लूट का जो सिस्टम है वो बना रहे, इसीलिए वो लोग पुलवामा के बहाने तमाम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं, जो यहाँ पे है। हम लोग चाहे मुसलमान नहीं है, चाहे हम लोग कश्मीरी नहीं है, लेकिन जो उसके हो रहे गलत अटैक के खिलाफ, जो इन फांसीवादी ताकतों के हमले के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। क्या जो इतना 70-80% जनता के खिलाफ जो कर रहा है, उन देशद्रोहियों के खिलाफ कौन बोलेगा? वो इस जनता की जनता बोलेगी। और इस जनता को लीड करने वाली क्रांतिकारी ताकतों का फर्ज बनता है कि वो जनता को बताए कि असली देशद्रोही कौन है और हम लोगों को किस तरह से, जैसे प्रबल ने बोला कि ये तमाम हमारे इतिहास गवाह है कि किसने फांसीवादी ताकतों को हराया है। और अभी भी जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की ही मौत मरेगा और यही होने वाला है। अभी जैसे फांसीवादी ताकतें, ऐसा ही नहीं कि जैसे हमले हो रहे हैं, कैसे शिक्षा पे इनडायरेक्ट हमले हो रहे हैं, जैसे पहले हम लोगों के साथियों ने बोला है। अभी मैथ डिपार्टमेंट में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, 7 दिन तक वो प्रोटेस्ट चला है और दूसरे प्रोटेस्ट के दूसरे दिन ही वहाँ पे प्रॉक्टर पहुंच जाती है अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। सिर्फ ये लोग नहीं है जो गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ पे प्रशासन के वो लोग पहुंच चुके हैं प्रशासन में जो गुंडागर्दी करते हैं। डीयू का प्रशासन के अधिकारी गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पे जाके। और पुलिस आती है कैंपस के अंदर, क्या वो फांसीवादी नहीं है? क्या वो फांसीवादी एक्शन नहीं है कैंपस के प्रशासन का? तो वहाँ पे 7 दिन प्रोटेस्ट चलने के बाद भी वो अभी तक चीजों नहीं सॉल्व हुई है जो मैथ्स के आम स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या बनाया जाता है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? यहाँ का डीन बहुत मान से कहता है कि मैं ना मेरी हिस्ट्री निकलवा लो, मैं बीजेपी से हूँ, तो वो कौन सी ताकतें हैं? तो इसीलिए जो हम लोगों ने पहले भी कॉल दिया था, आज भी कॉल दे रहे हैं कि ऐसे जो पार्लियामेंट से फांसीवाद को नहीं हराया जा सकता है, हम लोग अगर बाहर, पूरे देश की लड़ाई है ये, आज एक टीचर पे हमला हुआ है, ये लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी तमाम हर जगह पे हर देश में जो फांसीवादी ताकतें एक एक करके टारगेट कर रही हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इस कैंपस में भी, जैसे पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल पे मजदूर, किसान, छात्र या आदिवासी, दलित, मुस्लिम या मुसलमानों का एक एंटी फासिस्ट फ्रंट बनना चाहिए, ऐसे ही
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्टूडेंट का एंटी फासिस्ट फ्रंट बनना चाहिए। हम लोग कॉल देते हैं कि आप इकट्ठा हो, नहीं तो हम लोग हमेशा जब कोई ऐसा हमला होता है उसके बाद प्रोटेस्ट करते रह जाएंगे। हम लोग मुंह तोड़ जवाब तब दे पाएंगे जब हम लोग उस पावर में होंगे और एक साथ आगे, जैसे आज हम लोग अपने बैनर अपने सारे को छोड़ के अपने नाम को, ऐसे ही हम लोगों को एंटी फासिस्ट फ्रंट भी मजबूती से बना के इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा।